वामन भगवान की, जो भगवान है उनका अवतार होता है, और भगवान जब अवतरित होते हैं तो वह सब पहुंच जाते हैं, देवता तो जरूर पहुंच जाते हैं। तो यह विस्तार से वर्णन है। शंख दंद्युभयो निदुर मृदंग पर्णवान कहा। तो देवता या गंधर्व गा रहे, देवताओं के प्रकार है, कोई कोई गंधर्व है तो कोई किन्नर है तो कुछ किम पुरुष है तो अप्सराएं भी है, तो अपने अपने कला कौशल्य का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, स्तुतिगान हो रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही है, नृत्य हो रहा है, और भगवान तम वटुवामनम, भगवान प्रकट हुए, उनका नाम है वामन, और वे है कैसे, वटु है, वटु छोटे हैं, ड्वार्फ छोटे हैं, कद में छोटे हैं। दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, तो उनके दर्शन से सभी हर्षित है, देवता ही नहीं महर्षयः ऋषि वृंद और जो भी वहां उपस्थित है। ददौ, और जो भी उपस्थित है वे भगवान को अलग अलग प्रकार की भेंट दे रहे हैं। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, उन्होंने जनेऊ दिया हुआ है और उसके साथ गायत्री मंत्र भी दिया होगा। किसी ने कौपीन, कौपीन दी हुई है, वटु वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वो कम कमंडलुम, किसी ने कमंडलु दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान ऐसे भी नटवर होते हैं, नटवर वपु लगा एक्टर, तो भगवान को नटाया है, नटवल भगवान ताना, या सर्वभक्तान, ये सब भक्तों ने अपनी अपनी या वस्त्र दे, या दिस वन दैट वन। तम नर्मदा या स्तट उत्तरे बलेयम, और नाउ ही इज ऑल वेल ड्रेस्ड, इट्स द टाइम फॉर अ ड्रेस, ड्रेस एंड देन यू ड्रेस। तुरंत ही या जिस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर, या बलि महाराज यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, उस दिशा में प्रस्थान किया है। भगवान इतने भारी है, लिखा है धरती हर पग जब रखते तो है तो वटु, लेकिन जब चलते तो सारे धरती को हिलाते हुए, मानो अर्थक्वेक। सूर्य, तो अभी बलि महाराज यहाँ है जमुना के तट पर, तो उनके वे दूर से देख रहे हैं। क्या देख रहे, सूर्य की किरणें देख रहे हैं। एक सूर्य तो वो सूर्य तो है ही, लेकिन उनको लगा कि और कोई सूर्य धरती पर प्रकट हुआ है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। कोटि सूर्य समप्रभा, ऐसा भी भगवान के संबंध में कहा ही जाता है।
भगवान से कितनी प्रभा, प्रभास्मि शशि सूर्य यो, भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो। सूर्य में जो प्रभा है, चंद्रमा में जो प्रभा है, प्रभा अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूँ प्रभा, ओ प्रकाश। और यह स्वयं भगवान ही कृष्ण, कैसे है, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, तो वही कृष्ण अभी वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वह कितना प्रकाश, कोटि सूर्य सम प्रभा, तो वह उस प्रखर तेज का दर्शन कर रहे हैं। छत्रम, भगवान ने छाता भी धारण किया हुआ है, ये वामन रूप के सौंदर्य के कुछ अंग है या छत्र है। सदंडम, और दंड भी या कमंडलु जैसा दंड धारण किए है। सजलम कमंडलुम, और कमंडलु है उसमें जल भी है, जल से भरा हुआ है। बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते। तो स्वागत हुआ है उस यज्ञशाला में, और बलि महाराज जो इस यज्ञ के यजमान है, तो वामन भगवान का वेश, उनको पता नहीं वो भगवान है या, स्वागत तो कर रहे हैं और साथ में पूछ रहे हैं करवाम किम करोमि, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड वी डू फॉर यू सर। तो वह तो संवाद प्रारंभ होता है और भगवान बहुत कुछ कहते हैं। उनको तो ये कहना है या उस प्रश्न का उत्तर देना है, क्या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ा, बहुत सारा कहने के उपरांत वामन भगवान कहे हैं पदानि त्रीणि दैतेन्द्रिय सम्मितानि पदा मम। बस आप कह रहे हो, पूछ रहे हो आप क्या कर सकते हो, और ज्यादा कुछ नहीं, आप तीन पग भूमि दीजिए। और बलि महाराज जब ऐसी मांग, जो उन्होंने सोचा कि ये तो तुच्छ है, हाँ मैं तो इतना उच्च हूँ और आप तीन पग, और वैसे भी आपकी हाइट भी ज्यादा नहीं है। मैं भी एक प्रकार का इंसल्ट मेरा कर रहे हो, और ये जोकिंग, आप कुछ मजाक कर रहे हो क्या। तो फिर भगवान ना, ना, आई एम सीरियस कहते हैं। त्रिभि क्रमैर संतुष्ट द्वीपेनापि न पूर्यते, और भी आगे कहे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, यदि मैं तीन पग भूमि से प्रसन्न नहीं हो जाऊंगा, मुझे और चाहिए, ऐसी मांग मेरी रहेगी, तो आपने सारा त्रिभुवन भी दिया तो भी मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। आपने एक द्वीप भी दिया, द्वीप में से पूरा संसार में सप्तद्वीप है, उसमें से एक द्वीप भी दिया, तो फिर मैं सोचूंगा ओ आपने एक ही द्वीप दिया, और भी तो 6 द्वीप है, हा? उसका क्या, नहीं नहीं, 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। तो इतने में या वहाँ थे ही असुरों के गुरु या बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य, ये जब संवाद सुन ही रहे थे और 3 पग भूमि का प्रस्ताव रखा है, और बलि महाराज ने संकल्प लिया है, यस यस तथास्तु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। तो वह यह शुक्राचार्य कहे सावधान, तुम जानते नहीं हो, ऐसे ये छल कपट होने वाला है ही,
भगवान जानबूझ के वटु बने हैं और तीन पग भूमि मांग रहे हैं, ये सब के पीछे कुछ कुछ हिडन एजेंडा है, छिपी हुई बात है। कहते रहे हैं कुछ, लेकिन उनका उद्देश्य तो और ही है, जिसको शुक्राचार्य समझे हैं। ना, इनको तो कुछ भी नहीं देना चाहिए। मांग तो रहे हैं तीन पग भूमि, किंतु ये सारा छीन सकते हैं। तो इस बात को कोर्स इसके लिए भी बलि महाराज प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने गुरु की सलाह को भी नहीं माना। गुरु की सलाह, भगवान की सलाह या आदेश उपदेश का थोड़ा खंडन करने वाली थी। भगवान तो कहते यत करोसी यत असनासी ददासी यत यत तपस्यसी तो कौन्तेय करुस कुरुस्व तदा मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। या सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो बलि महाराज इज रेडी। और उस समय बलि महाराज ने ऐसे भगवान भी कहे हैं, एक बार दे दिया वचन और फिर यू टेक अ प्लेज, फिर उसको पूरा नहीं करना, ये तो झूठ हुआ। ऐसे झूठ मूठ लोगों से अपने वचन को, राम तो सत्य वचनी थे, एक वचनी एक बानी एक पत्नी। तो जो भी ऐसा नहीं करते हैं, एक वचनी अपने वचन के पक्के नहीं होते, प्रॉमिस इज प्रॉमिस, यू नो जेंटलमैन्स प्रॉमिस, वैसे होनी तो चाहिए। लेकिन जो दोज हु डू नॉट कीप देयर प्रॉमिस, तो उनका भगवान कहेगी उनका अस्तित्व मुझे या धरती को भी बोझ लगता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों का बोझ, और ये प्रवृत्ति वैसे आसुरी प्रवृत्ति ही है, सुरों की प्रवृत्ति या विचार नहीं हो सकते। तो दी हुई प्रॉमिस को पूरा करना ही चाहिए, ऐसा भाषण भी ठोक रहे हैं बलि महाराज। और पहले भगवान भी कहे, अजय वामन भगवान कहे, ये संतुष्ट होने की बात है। त्रिभी ही क्रमैर असंतुष्टो, तीन पग भूमि से मैं अगर संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। लोभ का कोई अंत ही नहीं है, लोभ लोभ या लोभ, अरे अरे, तो हमें लोभी नहीं होना चाहिए। जो भी प्राप्त है, कृष्ण भी कहा यदृच्छा यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यद इच्छा, भगवान की इच्छा से नेचुरली जो भी हम तक पहुंचता है, हमको प्राप्त होता है, उसको संतुष्ट होना चाहिए। लोग धन की तो प्राप्ति करते हैं, लेकिन संतुष्टि को प्राप्त नहीं होते, समाधान ही नहीं हो, समाधान ही नहीं है, समाधान ही नहीं है। तो ये भी एक शिक्षा इस लीला से, ये किया, फिर जो प्रॉमिस दी है तो उसको रखना ही चाहिए, अपने वचन के पक्के होने चाहिए, ये भी एक शिक्षा यहाँ से प्राप्त हो रही है। हरी हरी। ओके, सो ले लीजिए तीन भूमि कदम, भगवान को कहे। ओके, गो अहेड। तो
वामन भगवान बन गए त्रिविक्रम भगवान। उन्होंने एक पग से ही सारे धरती को, सारे पृथ्वी को घेर लिया। एक पग इतना, आपका क्या 8 इंच या 7 इंच हम लोग नापते हैं, आपका जो शूज का साइज क्या है, तो भगवान के फुट का, चरण कमल का साइज कितना हुआ, इतनी पृथ्वी है, पृथ्वी का जितना आकार है, जियोग्राफी है कहो, उतने आकार का एक पग हुआ। उसी के साथ उन्हें पृथ्वी को घेर लिया, एक पग में सारे पृथ्वी को घेर लिया। और अब दूसरा पग, अभी तो वटु वामन का पग नहीं है, अभी तो त्रिविक्रम भगवान का पग है। तो भगवान ये विराट रूप तो नहीं है, एक प्रकार का एक विराट रूप भी है, लेकिन वो विराट रूप नहीं, विश्व रूप जो भगवान अर्जुन को दिखाए भगवद गीता के 11वें अध्याय में इसका वर्णन है। तो जो छोटे थे वही मोटे, या जो लहान थे महान हो गए, और उस महान रूप का पैर भी फिर महान और बहुत लंबा हुआ। कितना लंबा, सारा ब्रह्मांड को उन्होंने कवर किया, ब्रह्मांड। तो वह वचन तो था कि मैं 3 पग भूमि दे दूंगा, अभी 2 ही पग उठाए उन्होंने। तो सारा उनकी जो भी सारी संपत्ति कहो, ये सब दौलत, धन दौलत पली महाराज की थी, वे असुरों के राजा थे। और उस समय असुरों ने सूरों से या देवताओं से सारा सारा ब्रह्मांड ही छीन लिया हुआ था। और देवता लोग कई गुफा में, कई कर बादल के पीछे कई छिप के अपना जीवन जी रहे थे इन हाइडिंगली। तो वैसे ये उद्देश्य तो था भगवान, जो असुरों ने सुरों की संपत्ति या इंद्र की संपत्ति या इंद्र के राजधानी को भी पर भी कब्जा किए हैं, और स्वयं असुरों के राजा बलि महाराज उस गद्दी पर विराजमान है। तो सारी संपत्ति, सारा ब्रह्मांड ही भगवान घेर लिए। अब नेक्स्ट वो देने वाले हैं देवताओं को, इसीलिए ये सब षड्यंत्र रचे हैं भगवान। तो भगवान ने कहा ना, आपने तो 3 पग भूमि देने के लिए कहा था या वचन दिया था, लेकिन 2 पग में तो समाप्त हुआ, अब 3रा पग कहाँ रखूं मैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वह ब्रह्मांड तो दे दिया, ब्रह्मांड तो घेर लिया, तो ममक को तो दे दिया, या भगवान ने ले लिया, घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनका जो अहम था, अहम अहम अहम, तो वो भी अब तो था ही, स्वयं थे, स्वयं या हम, और उनका व्यक्तित्व है, उनकी प्रश्नें, उनके विचार है, जो भी। तो हुआ फिर वली महाराज कहते कि अभी तो मामा तो आपने ले लिया, अब अहम ये भी माया है, तो उसको भी मैं सरेंडर करता हूँ। इसी के साथ मैं आत्मनिवेदनम, मैं आत्मनिवेदन करता हूँ, आत्मा आत्मा मतलब मैं, और ऐसे बॉडी भी आत्मा है, मन भी आत्मा है,
बॉडी माइंड सोल, इन तीनों को भी आत्मा कहा जाता है। और भी कुछ आइटम्स है उस आत्मा में, आत्मा की परिभाषा में। तो वह तो फिर भगवान ने अपना तीसरा पग पली महाराज के सर पर रखा है, और इसी के साथ बली महाराज केप्ट हिज प्रॉमिस, और इसी के साथ वे प्रसिद्ध भी हो चुके हैं। जो नवविधा भक्ति है, हर भक्ति के लिए एक एक भक्त प्रसिद्ध है। श्रवणम के लिए कौन? परीक्षित महाराज। कीर्तन के लिए, स्मरण के लिए, एंड देन लाइक दैट, दास्यम के लिए हनुमान, पाद सेवनम के लिए लक्ष्मी, वंदनम के लिए अक्रूर, लाइक दैट। इस मंत्र भी है उसका। और फिर आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन के लिए प्रसिद्ध है बली महाराज। तो ये आत्मनिवेदन जो उन्होंने किया या प्रदर्शन किया आत्मनिवेदन का, तो इस लीला के साथ वो जुड़ा हुआ है। वो भगवान अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है। जब भगवान आए वहाँ नर्मदा के तट पर, जहाँ यज्ञशाला थी और यज्ञ संपन्न हो रहा था, तो वहाँ बलि महाराज की दोनों भी कहा है, पुत्री और बहन, जिसका नाम था रत्नमाला। तो इस वटु वामन को, सुकुमार बालक को आती हुई जब देख रही थी ये रत्नमाला, उसके मन में ये विचार उठा कि कितना सुंदर बालक है, क्या मुझे कभी ऐसा बालक पुत्र रूप में प्राप्त हो सकता है? और बी नाइस थिंग इफ आई कुड हैव सन लाइक दिस चाइल्ड, ऐसी इच्छा मन में उदित हुई, जगी। और फिर बाद में जो घटनाक्रम हुआ, ऐसे दो पग भूमि में, दो पग में ही भगवान ने सब घेर लिया। ए, तीसरा कदम मैंने उठाया भी नहीं, तुमने वचन तो दिया था। तो भगवान ने कहा, है गिरफ्तार करो, अरेस्ट हिम। तो जिस प्रकार का व्यवहार भगवान ने बलि महाराज के साथ किया, एक प्रकार का अन्याय हो रहा था, तो ये भी उसी रत्नमाला ने देखा। और तब उसके मन में विचार आए, इसको तो मैं जान लेना चाहूंगी, ऐसे व्यक्ति का बदला लेना चाहूंगी, आई वुड रादर किल दिस पर्सन। तो पहले तो क्या ऐसा बालक मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो सकता है, ऐसा विचार था। और कुछ ही समय उपरांत उसी स्थान पर, उसी स्थल, उसी दिन उसके मन में विचार, इसका तो मार देना चाहिए, इसका तो ठार, इसका वध करना चाहिए। तो फिर जब कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय वही रत्नमाला पूतना के रूप में प्रकट होती है, पूतना। और भगवान की माँ भी बन गई यशोदा ने, तुम ले लो, इतनी सुंदर ये सज धज के भी आई थी। और कुछ दूध नहीं, कुछ विष पिलाने के उद्देश्य से भी आई थी, तो गोद में लिया है और पिला रही है। अपपायत स्तनकाल कूटम, स्तन पर सारा जहर, अपपायत अपायत, पिलाया भी,
लेकिन थी तो असाध्वी, यानी माँ बनने का कुछ तो श्रेय कहो या अवसर उसको प्राप्त हुआ ही है। तो माँ बनना चाहो के तो भगवान ने माँ बना भी दिया, लेकिन वो दोनों भी चाहती थी, माँ भी बनना चाहती थी इस बालक का, ऐसे बालक का, उसकी जान भी लेना चाहती थी, तो वो भी करने का उसने प्रयास तो किया, सही सफल तो नहीं हो सकती थी तो हुई भी नहीं। तो भगवान ने उसकी जान ली हुई है, लेकिन अंत तो गत्वा धात्री उचितम, उस पूतना को भगवान ने धात्री, जो सात माताएं होती, सेवन मदर्स, उसमें एक धात्री भी है, ऐसी पदवी अपने धाम में दे दी। तो वामन देव का वो बदला लेना चाहती थी वो रत्नमाला। तो वामन भगवान जब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं तो उसने ये सब दोनों भी प्रयास किए हैं, माँ बनने का और उसके जान लेने का।